नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुख करते हैं 100 शहर 100 खबर का। आज देश भर में छोटी दिवाली की धूम दिखाई दे रही है। इसे नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सूर्योदय के समय जहां महिलाएं उपटन लगाती हैं, तो वहीं पुरुष अपने शरीर पर तेल लगाते हैं। दिवाली को लेकर बिक्रम के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि आसमान में घने बादल छाए हुए बावजूद इसके लोगों घरों को सजाने और पूजा पाठ करने का सामान खरीद रहे हैं। बिक्रम समेत दुल्हिन बाजार, पालीगंज, नौबतपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजारों में पहल देखी गई। मिष्ठान, मिट्टी के बर्तन, दीप और पटाखे से बाजार सजे हुए। मधुबनी में दिवाली को लेकर बाजार में खासी रौनक। लोग पूजन सामग्री, पटाखे और मिठाइयां खरीद रहे हैं। पटना सिटी के निजी संस्थान की छात्राओं, प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का उन्होंने संकल्प लिया। लोगों से भी प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील की। रांची में बारिश थमते ही बाजारों में रौनक लौट गई। लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। दिवाली को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन ने पटाखे की बिक्री को नया रूप देने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के दिशा निर्देश जारी किए गए कि शहर में दो जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। लादेहार में चंदवा प्रखंड के देवनादिया गांव में दिवाली के अवसर पर पहली बार लक्ष्मी पूजा को लेकर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई। दिवाली को लेकर शाम 3 बजे से 6 बजे शाम तक मेले का आयोजन किया गया। पश्चिम सिंहभूम जिले में दिवाली की खरीदारी जोरों शोरों से जारी है। बारिश और अचानक बड़ी ठंड के कारण जो लोग खरीदारी नहीं कर पाए, वो लोग आज खरीदारी करेंगे। जिले के शहरी क्षेत्र चाईबासा और चक्रधरपुर सहित मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, किरीबुरू, बड़ाम जादा, सोनुआ, गोयलकेरा, किरीबुरो के बाजारों में रौनक देखी गई। रांची में इस बार तूफान क्लब काली पूजा समिति करम टोली में काली पूजा का आयोजन किया गया। 27 अक्टूबर को दिवाली की रात में काली पूजा का आयोजन होगा। जनजीवन हरियाली कार्यक्रम के ज्ञान भवन में औपचारिक शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, मंत्री नंद किशोर यादव सहित कई अतिथि मौजूद रहे। दरौंदा विधायक अरिजीत सिंह के जीत के जश्न में जेडीयू विधायक के शामिल होने पर सियासी बवाल। आरजेडी ने श्याम बहादुर सिंह पर कार्रवाई की मांग की। एनडीए के बागी उम्मीदवार करणजीत सिंह को चुनाव में जीत मिलने के बाद जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह और बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने जीत की बधाई दी। सासाराम में अतिक्रमण हटाने गई डिहरी नगर परिषद की टीम पर महिलाओं ने किया हमला, जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मी हुई घायल, जिसके बाद मारपीट करने वाली 4 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीवान शहर के कंदवारा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से घायल शख्स को सीवान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बोधगया थाना क्षेत्र के पीपर पाती ममस्तीपुर गांव स्थित पंचशील ब्लाइंड स्कूल चलाने वाले बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञाशील की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बेगूसराय में पेड़ से लटकी एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिस इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही कि अपराधियों ने पहले महिला की गला रेतकर हत्या की, फिर शव को फंदे पे बांधकर पेड़ पर ही लटका दिया। बेगूसराय में कुएं में से एक युवक का शव मिले से सनसनी फैल गई। मृतक के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया। पटना सिटी में 3 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 8 हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर दुकानदार और कर्मचारी को पिस्टल के बल पर मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने 5 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। पीड़ितों के बयान पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की तलाश कर रही है। समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक के पैर में लगी गोली। गया में नक्सलियों ने मचाया तांडव, हथियारबंद माओवादियों ने वाहन में लगाई आग। नक्सलियों ने 2 ट्रैक्टर और 1 रोलर मशीन में लगाई आग। कैमूर पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुंदन पलिटेल को गिरफ्तार कर लिया है। कुंदर के पास से पुलिस ने एक देसी राइफल और एक अपाची बाइक जब्त की। मधेपुरा जिले में छोटे कालकाता के नाम से मशहूर मुरलीगंज शहर में कारोबारियों में दहशत का माहौल। 3 दिन के अंदर अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी और एक किराना को मारी गोली। मोतिहारी पुलिस ने अंतर जिला बैंक लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य सदस्यों को हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस के वाहन ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जहानाबाद में करंट लगने से युवक की हुई मौत। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर की पूरी घटना, बिजली का तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। बाढ़ में सड़क हादसे में एक शख्स की हुई मौत, जिससे नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 31 को किया जाम। पटना दीघा मुख्य मार्ग पर एक हाईवे ने ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो चालक की हुई मौत, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना दीघा मुख्य मार्ग को जमकर हंगामा किया गया। सुपौल के बलहा गांव के पास कुली पुल के पास हुआ हादसा। एक अनमोल कंपनी का दूध से भरा कंटेनर पलट गया। वाहन पर लदे दूध और दही सड़कों पर बहने लगे।
अररिया नगर थाना परिसर में दिवाली और छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अररिया एसडीपीओ के डी सिंह ने की। कैमूर में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मजनू को सबक सिखाने के लिए कैमूर पुलिस ने नया तरीका निकाला है। अब पुलिस टाइकांडो की ट्रेनिंग लेकर सादे लिबास में शहर में तैनात रहेगी। औरंगाबाद के फेजर में आज से ग्रामीण बाजार की शुरुआत हो गई, डीएम राहुल रंजन महिलवाल ने इसका उद्घाटन किया। मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में बुधी बलान नदी में स्नान करने के दो बच्चे की डूबकर हुई मौत, बताया जा रहा है कि पांच बच्चे नदी में स्नान करने के लिए गए। आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर सुडनी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार ने को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। औरंगाबाद में बिजली परियोजना एनपीजीसी के मजदूरों की परियोजना प्रबंधन की मनमानी और उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ पिछले चार दिनों से जारी भूख हड़ताल मजदूरों ने आखिरकार खत्म कर दी। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर छात्रों के तोड़फोड़ के बाद रेल एसपी सुजीत कुमार सासाराम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी लेते हुए जांच की। अररिया के मदर टेरेसा कॉलोनी में कुष्ठ रोगी और गरीबों के लिए दिवाली के शुभ अवसर पर भोज का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला आपदा पदाधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष ने भी शिरकत की। मधेपुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरोध में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के छात्रों ने जन जागरूकता रैली निकाली, आम लोगों को जागरूक किया। मोतिहारी के रामगढ़वा प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिसवनिया का हाल बेहाल है, शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेतिया में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है, आरएलएसवाई कॉलेज में बीए पार्ट थ्री की परीक्षा छात्र छात्रों को खुले आसमान के नीचे देनी पड़ी, यहां छात्रों को न तो बैठने की सुविधा दी गई और न ही दूसरी कोई सुविधा। बिहार की प्रमुख लोक गायिका नीतू कुमारी नवगीत ने श्रीराम की नगरी अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम पेश किया। नीतू नवगीत ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना मंगल के दाता भगवान बिगड़ी बनाई जी से की, फिर उन्होंने राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी के साथ कई गाने की प्रस्तुति दी। नालंदा में पर्यटक अपने पूरे परिवार के साथ 8 सीटों वाली नई रोपवे का लुत्फ उन्होंने उठा सकेंगे, अगले महीने इस नए रोपवे की शुरुआत हो सकेगी। छपरा में एक हार्डवेयर दुकानदार के ऊपर लोहे का पाइप गिरने से उसकी मौत हो गई, बताया जा रहा है अचानक से पाइप गिरने से नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। छपरा के बिहार में जल संरक्षण मामले में अव्वल बनाने के लिए जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसकी सफलता के लिए डीएम ने अधिकारी कर्मचारी जीविका दीदियों से आह्वान किया। अररिया के टाउन हॉल में डीएम बैद्यनाथ यादव और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत कई योजनाओं का शिलान्यास किया। आरा में सामाजिक एकता और बदलाव के संकल्प के लिए भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने माले नेता राम नरेश राम के 9वीं बरसी पर संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण भूमि नालंदा के पावापुरी में 3 दिवसीय निर्वाण महोत्सव झंडोत्तोलन और पूजा अर्चना के साथ शुरू हो गई। बेगूसराय में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की, दरअसल सीएम नीतीश कुमार के द्वारा पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। कारगिल विजय के 20 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय वायुसेना का एक जत्था कारगिल से कोहिमा के लिए अल्ट्रा मैराथन दौड़ के क्रम में पूर्णिया पहुंचा। सासाराम में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसकी शुरुआत मल्टीपर्पज हॉल में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी सांसद छेदी पासवान। मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची के मोरहाबादी में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह लाभ वितरण कार्यक्रम सह दंतोपंत ठेंगड़ी रोजा मेला में शामिल हुए। झारखंड में अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके जेडीयू ने पक्ष विपक्ष दोनों पर ही निशाना साधा, कोल्हान में अपने पांव जमाने की कोशिश में जुटे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने चाईबासा में पार्टी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के सरकारी गांव से अगवा 6 महीने के बच्चे को पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया है, पुलिस ने वारदात के मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार किया। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया स्थित सामंतो काली मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, देर रात चोरों ने मां काली की मूर्ति पर अर्पित सभी जेवरात लेकर फरार हो गए। गिरिडीह में चोरी के सामान के साथ एक पेशेवर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी की कई एलईडी टीवी मोबाइल फोन समेत कई सामान भी बरामद किए। गुमला में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधियों को धर दबोचा, पकड़े गए सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। रांची के बुंडू से अपहरण हुए 6 महीने के बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया, पुलिस ने मामले में अपहरण कांड के मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार किया। इस साल धनतेरस के मौके पर चक्रवाती बारिश ने दुकानदारों को अपने व्यवसाय को लेकर संशय में डाल रखा था, लेकिन हजारीबाग में खराब मौसम के बावजूद व्यवसायियों ने अच्छा कारोबार किया। रांची नगर निगम के कर्मचारियों के 4 दिनों से जारी हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के आश्वासन के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। नक्सल प्रभावित जिला गढ़वा में लाइसेंसी हथियार के सत्यापन को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन काफी अरसे से गंभीर है, जिला उपायुक्त ने एक तरफ 42 लाइसेंस को रद्द कर दिया।
कुल 1160 हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। 42 लाइसेंस को तत्काल रद्द किया गया। 1160 ऐसे लाइसेंसी हथियार है जिसका कुछ सालों से कोई अता पता नहीं। लातेहार के बरवाड़ी प्रखंड मुख्यालय में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। मास्टर ट्रेनर अरुण सिंह और मनरेगा कनिया अभियंता संजय कुमार ने साप्ताहिक बाजार में आए। आगामी विधानसभा चुनाव में पॉलिटेक्निक कॉलेज में वज्रगृह निर्माण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर और एसपी प्रशांत आनंद ने वहां का निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने और मतदाताओं की सूची तैयार करने को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग में बैठक आयोजित की गई। लातेहार के चंदवा प्रखंड के रैंची गांव में ग्रामीणों ने कुसुम बांध के समीप बैठक की। दो दशक से जर्जर हुई कुसुम बांध की स्थिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये पर रोष प्रकट किया। गिरिडीह में बेलपत्र तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरने के दौरान एक युवक घायल हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर एक तेज रफ्तार का संतुलन बिगड़ गया। कार सड़क के नीचे जा गिरी जिसमें कार में सवार चार लोगों में से एक 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लातेहार में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने श्रमिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने किया। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। कार्यक्रम से पहले आज एक बार फिर से राम दरबार सज के और साथ ही कई दिए जलाए गए। अयोध्या नगरी में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए गए और अयोध्या में राम की पैड़ी में लाखों दिए सजाए गए थे जिन्हें जलाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए लोगों में भारी उत्साह। भगवान राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम के लिए सज धज कर हुई तैयार और पूरा कार्यक्रम हुआ। साथ ही राम के वनवास से लौटने की खुशी में प्रतीक के तौर पर शहर में 14 जगहों पर दीप जलाए गए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दीप जलाने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर 2 दिन प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में आज दीपोत्सव की शुरुआत रामकथा से हुई। रामकथा में राम सीता का हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क में प्रतीकात्मक अवतरण हुआ। साथ ही श्रीराम के जीवन पर आधारित शोभा यात्रा के साथ ही श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल और भारत की 6 शैलियों में रामलीला का मंचन हुआ। दीपोत्सव के मौके पर सरयू के घाट पर एक तरफ दीप सजाए गए तो दूसरी तरफ भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति लगाई गई। राम की पैड़ी पर भगवान राम की 10 फीट की फाइबर की मूर्ति लगी हुई है। हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया। सूत्रों के मुताबिक दिवाली के दिन मनोहर लाल खट्टर शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मनोहर लाल ने कहा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें जेजेपी और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, गोपाल कांडा का पार्टी समर्थन नहीं ले रही। हरियाणा के डिप्टी सीएम की रेस में दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला का नाम जुड़ गया। सूत्रों के मुताबिक अजय चौटाला से जुड़े पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के साथ ही पार्टी नैना चौटाला के नाम पर भी डिप्टी सीएम के लिए विचार करे। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ हो जाने के बाद कांग्रेस ने जेजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई जिसमें मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने साफ कर दिया कि राज्य के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे तो वहीं शिवसेना ने बीजेपी को 50-50 फॉर्मूले की याद दिलाई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए लगातार दांव पेच और दबाव की राजनीति जारी है। एक तरफ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी के मिलकर सरकार बनाने की बात चल रही है। शिवसेना ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मुंबई में पोस्टर लगाए जिनमें आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवसेना के नव निर्वाचित विधायकों ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की मांग की। वर्ली से विधायक बने शिवसेना युवा सभा के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठाने के लिए शिव सैनिकों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने शिवसेना को समर्थन देने का संकेत दिया। हालांकि थोराट ने साफ किया कि इस बारे में शिवसेना की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि पहले शिवसेना बीजेपी से अपने रिश्तों को खत्म करे, उसके बाद अगर प्रस्ताव भेजे तो हमें कोई परेशानी नहीं। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर सवाल उठाया। तुषार गांधी ने कहा कि बापू की हत्या की साजिश के मकसद को समझने की जरूरत है।
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार नहीं बल्कि आतंकियों का कब्जा है। पीओके को लेकर सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि सरकार और सेना के समर्थन से लक्ष्य हासिल किया जाएगा। लंदन में दिवाली के दिन भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तान समर्थक प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। भारत के विरोध के बाद ब्रिटेन सरकार ने प्रदर्शन को इजाजत देने से इंकार कर दिया। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की बहाली इस्लामाबाद के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ की गई निरंतर स्थायी कार्रवाईओं पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खाजूवाला में गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यात्रा कई मार्गों से होती हुई निकली। 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए। लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने बरेली से मौलाना सैयद कैफी को पकड़ा है। पुलिस ने मौलाना को लंबी पूछताछ के बाद आईपीसी की धारा 216 के तहत गिरफ्तार किया। दिशा पाटनी की एक और फिल्म कैटीना की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में दिशा का फर्स्ट लुक सामने आया। मधु मंटेना महाभारत पर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण द्रौपदी का रोल प्ले करेंगी। तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख पर्दे पर रिलीज हुई। रिलीज के बाद तापसी अपने परिवार के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। अगले चार दिनों तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। आज चौथा शनिवार और कल रविवार के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। हालांकि इस बार दिवाली रविवार को है। दिवाली के मौके पर चंडीगढ़ के मॉडल जेल बुड़ैल में कैदियों ने मिठाई बनाई जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। और चलिए इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।